हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईपीएल के मैच नंबर 44 की। और ये जो मैच है ये लखनऊ के ग्राउंड पे खेला जाएगा, लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। अभी तक जो लखनऊ का ग्राउंड है वो बेसिकली देखा गया है कि पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर मैं रीसेंट यहाँ पे मैचेस की बात करूँ और उसके ड्रीम टीम की बात करूँ कि हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे ड्रीम टीम के में स्ट्रक्चर होता है और कितने प्लेयर्स जो है बैटिंग साइड से आते हैं और कितने प्लेयर्स जो है बॉलिंग साइड से आते हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं या किस टाइप के प्लेयर हैं जिनको कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको बना के चलना है, ये सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस स्ट्रक्चर के साथ आपको जाना चाहिए आज की वीडियो में, आज के मैच के लिए। और कुछ ड्रीम टीम मैं लेके आया हूँ ताकि ये आपको एहसास हो, ये आपको क्लेरिफिकेशन मिले कि आपको जो है सिलेक्शन परसेंटेज के थ्रू कैसे अपनी टीम बनानी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पिच रिपोर्ट क्या होने वाली है, हेड टू हेड मैचेस क्या होने वाले हैं, पॉसिबल प्लेइंग इलेवन क्या होने वाली है, प्लेयर के स्टैट्स क्या होने वाले हैं, प्लेयर का बैटल क्या होने वाला है, कैप्टन और वाइस कैप्टन आप किसको बना के चल सकते हैं, फिक्स प्लेयर और ट्रम्प प्लेयर कैसे आप निकालेंगे और सिलेक्शन परसेंटेज के थ्रू कैसे आपको अपनी टीम बनानी है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं पर डे लेके आता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। इसी वीडियो के नीचे यहाँ पे मोर का ऑप्शन होगा, MORE लिखा होगा, मोर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ज्वाइन का बटन आ जाएगा, सिंपली जाके आपको वहाँ से ज्वाइन हो जाना है। फ़ायदा ये है कि जिस SL की टीम के साथ मैं खेलता हूँ, ठीक है, वो मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। साथ ही साथ पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड फॉर्म्स कैसे हैं, अगर कोई चेंजेस है तो उस प्लेयर का स्टैट्स क्या है, साथ ही साथ जो है पिच रिपोर्ट कैसी है, कितना जो है उछाल है उस पिच पे, कितने डिग्री जो है टर्न है वहाँ पे, ये सब कुछ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट किया जाता है कंफर्म प्लेइंग 11 के साथ, पिच की फुटेज के साथ। तो जाइए फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए और आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम समझते हैं कि इस ग्राउंड पे जो खेले गए हैं मैचेस उनमें किस तरीके का ड्रीम स्ट्रक्चर रहा हुआ है। तो अगर मैं पहले मैच की बात करूं, ये जो मैच है वो खेला गया था LSG वर्सेस आपका CSK के बीच में, ठीक है। और इस मैच में आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई चार विकेट कीपर जो है ड्रीम टीम में आए हुए हैं, एक बल्लेबाज और चार ऑलराउंडर ड्रीम टीम में आए हुए हैं। वहीं अगर नेक्स्ट मैच की बात किया जाए तो यहाँ भी आपको चार ऑलराउंडर दिखेंगे, यहाँ अगर नेक्स्ट मैच की बात किया जाए तो यहाँ पे तीन ऑलराउंडर दिखते हैं, और चौथे मैच की बात किया जाए तो यहाँ भी आपको एक ऑलराउंडर दिखता है, लेकिन पाँच बॉलर दिखते हैं साथ में। तो किसको किस सेक्शन से कितने प्लेयर्स लेके चलने हैं ये सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। अब जब आप जो है यहाँ पे टीम बनाए और चार ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी चार ऑलराउंडर, यहाँ भी तीन ऑलराउंडर, ठीक है, इन ऑलराउंडर को लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे कन्फर्म जो है यहाँ भी चार बॉलर हैं, यहाँ भी क्या है चार बॉलर हैं, यहाँ पे क्या है दो बॉलर है, ठीक है। तो इकलौती यही टीम है जहाँ पे प्योर बॉलर की जो संख्या है वो कम है, बाकी इस टीम में भी तीन बॉलर हैं, ठीक है, इस टीम में चार बॉलर हैं और अगली टीम में तो हद ही हो गई, यहाँ पे पांच बॉलर हैं, ठीक है, यानी बॉलर यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और किस टाइप के बॉलर इफेक्टिव हैं ड्रीम टीम में आप देखिए, यहाँ पे खलील अहमद फास्टर बॉलर, ईशांत शर्मा फास्टर बॉलर और जो है वाई ठाकुर फास्टर बॉलर, यस ठाकुर जो है फास्टर बॉलर, यानी तीन आपको यहाँ पे फास्टर बॉलर दिख गए। साथ ही साथ बिश्नोई स्पिनर और कुलदीप यादव स्पिनर दिख रहे हैं, और जो है यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में जो है स्टॉइनिस दिख रहे हैं, यानी चार आपको पेसर का ऑप्शन दिखा है और दो आपको जो है यहाँ पे स्पिनर दिखे। वहीं अगर दूसरी टीम को हम एनालाइज किया जाए तो यहाँ भी पेसर, यहाँ भी पेसर, यहाँ भी पेसर और यहाँ पे पेसर, यानी ये हो गए चार पेसर यहाँ से, ठीक है, और एक जो है स्टॉइनिस पेसर, यानी पाँच पेसर और दो जो है यहाँ पे स्पिनर दिख रहे हैं, वो है आपके कृणाल पांड्या और तेवतिया,
ठीक है। और तेवतिया ड्रीम टीम में आए हुए हैं, तो ये अपने बॉलिंग की वजह से नहीं आए हुए हैं, ये अपने जो है बैटिंग की वजह से आए हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे केवल एक ही स्पिनर है आपका। अब इस मैच की बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो है मयंक यादव ये भी फास्ट बॉलर हैं, फिर एम खान ये भी फास्ट बॉलर, अर्शदीप सिंह ये भी फास्ट बॉलर, सैम करन ये भी फास्ट बॉलर और स्टॉइनिस ये भी फास्ट बॉलर। यानी इस मैच में भी आपको 6 फास्ट बॉलर दिखेंगे और 2 स्पिन के ऑप्शन दिख जाएंगे। यानी 2 स्पिन के ऑप्शन हैं यहाँ पे। कौन कौन है भाई? लियम लिविंगस्टन है, ठीक है, और जो है कृणाल पांड्या है, ठीक है। यानी आप इस मैच में भी देखेंगे तो फास्टर जो है ड्रीम टीम में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं कंपेरेटिवली जो है स्पिनर्स के। और प्योर बॉलर तो स्पिनर अभी इन तीनों ड्रीम टीम में देखा ही नहीं गया है, प्योर स्पिनर, ठीक है। वो जो पहली टीम थी उसमें ही 2 स्पिनर दिखे थे, बाकी इन दोनों टीमों में जो है आपको स्पिनर नहीं दिखेगा। इसमें भी स्पिनर नहीं दिख रहा है और इस मैच में भी स्पिनर नहीं दिख रहा है। यहाँ भी एम खान और पथिराना क्या है, आपके फास्ट बॉलर हैं, बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से आपको 3 स्पिनर दिख रहे हैं। यानी स्पिनर अगर लेना है तो आप ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव चांस है कि आप जो है ऑलराउंडर सेक्शन से पिक करिएगा। और बॉलिंग सेक्शन से आपको किसको तवज्जो देना है भाई? पेसर बॉलर को तवज्जो देके चलना है, ठीक है, पहला एनालिसिस। ठीक, दूसरे एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहां पे कैप्टन देखिए लोकेश राहुल हैं, ठीक है, और वाइस कैप्टन कौन है? जडेजा, ठीक है। यानी एक ऑलराउंडर से और एक बैट्समैन से, यहां भी एक बैट्समैन और एक बॉलर, ठीक है, यहां ऑलराउंडर और बॉलर, यानी और यहां पे जो है आपके बैट्समैन और जो है आपके बॉलर। यानी इस मैच में, ठीक है, अगर मोस्टली देखा जाए तो ऑलराउंडर और बॉलरों की ज़्यादा तवज्जो है कंपेरेटिवली आप बैट्समैन से अगर तुलना करेंगे तो। यहाँ पे कैप्टन, वाइस कैप्टन जो है ऑलराउंडर और जो है आपका बॉलर में बन के आ रहा है, ठीक है, ये याद रखिए। तो ऑलराउंडर और बॉलर में से कौन कौन से प्लेयर को लेना है जो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन का बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेंगे, ये हम जो है आगे अपनी वीडियो में देखेंगे और ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बस इस वीडियो पे आप बने रहिएगा, ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाकी हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर की कि क्या स्ट्रक्चर से आपको टीम बनानी है, तो वो जो स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में आपको लेना है 2 विकेट कीपर, ठीक है, और 3 जो है आपको लेना है बैट्समैन, और आप 3 जो है बॉलर लेके चलिएगा, ठीक है, और सॉरी 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलर लेके चलिएगा। ये एक सेफ स्ट्रक्चर होने वाला है कल के मैच के लिए, सेफ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ये सेफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें थोड़ा रिस्की स्ट्रक्चर की, तो आप जो है दोनों में ही जो विकेट कीपर सेक्शन से भर भर के विकेट कीपर सेक्शन में हैं लोग, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 3 विकेट कीपर सेक्शन से, ठीक है, और 3 बैट्समैन सेक्शन से, 2 ऑलराउंडर सेक्शन से और 3 जो है बॉलिंग सेक्शन से, या अगर बॉलिंग सेक्शन से आप 2 प्लेयर ले रहे हैं तो 3 ऑलराउंडर सेक्शन से लीजिएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करके, दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर आप फॉलो करके चल सकते हैं कल की टीम के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी तक जो ड्रीम टीम आई हुई है उनमें क्या खास बात है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये जो मैच है ये है आपका SRH वर्सेस RCB का मैच है, ठीक है। अब SRH वर्सेस RCB के मैच में एक चीज आप समझिए कि इसमें उदानकट जो है वाइस कैप्टन बने हुए, इनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम है, ठीक है। यहाँ शहबाज अहमद का सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम है और यहाँ पे के शर्मा का सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, 30% से कम है। यानी आपको 3 प्लेयर यहाँ पे मिल गए जिनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, 30% से कम है, ठीक है। अब हम इस टीम की बात करें तो इस टीम में भी आपको सलमान, ठीक है, आर सलाम ये भी 30% से कम, नूर अहमद ये भी 30% से कम, और जो है वॉरियर ये भी 30% से कम आपको प्लेयर दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से डेविड मिल्लर का भी सिलेक्शन परसेंटेज अराउंड 30% से आसपास ही था, बट इसमें भी आप मान के चलिए कि 3 प्लेयर जो हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, 30% से कम है। बाकी इस टीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एम खान सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम, दीपक हुड्डा का सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम और मैट हेनरी का सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम। यानी यहाँ भी आपको 3 प्लेयर ऐसे दिख गए जिनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, 30% से कम है। तो
किस तरीके से और कितने परसेंटेज वाले प्लेयर्स को आपको लेके चलना है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ये सब कुछ बताने वाला हूँ, आप बस क्लियर और सारी वीडियो मतलब स्टार्टिंग से लेके, ये जो वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिए, हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो बने रहिएगा बस इस वीडियो पे, और अभी तक आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आप कुछ अर्न करके जाओगे ही जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट में ये जो है स्पिन फ्रेंडली पिच मानी जाती है पहले, ठीक है, पहले जो है स्प्रिंट फ्रेंडली पिच मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी जो हाल ही में देखा गया है कि यहाँ पे पेसरों ने अपना विकेट लिया हुआ है, और साथ ही साथ ये जो स्कोरिंग, ये जो ग्राउंड है वो हाई स्कोरिंग ग्राउंड के रूप में आने लगा है। हाई स्कोरिंग ग्राउंड का मतलब कि 160 से लेके 170, 175, 180 रन ऐसे बनते हुए देखने लगे हैं। कल के मैच के लिए जो वेदर रहेगा वो 35 डिग्री सेल्सियस है, और जो वेन्यू पे स्टैट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 11 मैचेस T20 के IPL के खेले गए, जबकि उसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 मैच जीती है और बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम जो है 4 मैच जीती हुई है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से नीचे 3 बार रन बन चुका है, जो कि पिछले साल बना हुआ था। वहीं अगर हम जो है 150 से 169 के बीच में 3 बार रन बन चुका है, 170 से 189 के बीच में 2 बार रन बन चुका है, और 190 से ऊपर जो है आपका 2 बार रन बन चुका है। वहीं अगर हम बात करें एवरेज स्कोर की तो 150 से लेके 170 रन है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 199 रन 8 विकेट के नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 108 रन 10 विकेट के नुकसान पे बना हुआ है। तो ये रहे स्कोरिंग पैटर्न। अब मैं बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पिचेस हैं, यहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल की भी पिच है, यहाँ पे जो है रेड सॉइल की भी पिच है, और यहाँ पे ब्राउन मिट्टी भी है, ब्राउन सॉइल की भी पिच है, ठीक है। तो अगर भूरे रंग की मिट्टी पे मैच होता है, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 160 या 170 के अबव रन बनने वाला है, इससे कम रन नहीं बनेगा, चाहे दोनों में से कोई भी टीम खेले, ठीक है। और एडवांटेज रहेगा जो सेकेंड टीम बैटिंग करेगी सेकेंड इनिंग में, उनके मैच जीतने के एडवांटेज यहाँ पे रहेंगे कल के मैच के लिए। इतना मैं आपको क्लियर कट और श्योर तरीके से बता रहा हूँ। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे खेले गए कुछ हाल ही के मैचेस में की, तो यहाँ पे CSK वर्सेस LSG का मैच हुआ था। CSK बनाई 176 रन 6 विकेट के नुकसान पे, LSG जो है उसको चेस कर दिया 180 रन 2 विकेट के नुकसान पे। वहीं सेकेंड मैच की बात करें तो LSG बनाई 167 रन, जिसको जो है DC जो है चेस कर दी 170 रन। और ये सब कुछ जो है अभी हो रहा है, 2024 के ही टाइम हुआ है, ठीक है। LSG की बात करें थर्ड मैच की, तो यहाँ पे देखिए 163 रन बना है 5 विकेट के नुकसान पे। GT का कोलैप्स हो गया था उस दिन, तो ये जो है चेस नहीं हुआ। वहीं अगर जो है इस मैच की बात करें तो 199 रन बना 8 विकेट के नुकसान पे, और पंजाब जो है 178 रन बना पाई 5 विकेट के नुकसान में। यानी इस मैच में भी जो है सेकेंड इनिंग में स्कोर बना है, ठीक है, इतना याद रखिए सारी चीज़ें। तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फैक्चुअल चीज़ ये है कि पेसर को देखिए, यहाँ भी विकेट मिला हुआ है 5 विकेट, यहाँ 6 विकेट, यहाँ 10 विकेट, यहाँ 11 विकेट। यानी अगर बात करें ग्रेजुअली पेसर्स को जो है विकेट मिलता रहा है, और जो है वो अच्छा परफॉर्म किए हुए हैं। इन चारों मैचेस की अगर हम बात करें तो 32 विकेट मिला हुआ है पेसर को, ठीक है, और 17 विकेट मात्र मिला हुआ है स्पिनर को अभी तक के इन चारों मैचेस की बात करें। तो किस टाइप के विकेट की किस टाइप के बॉलरों को यहाँ पे विकेट मिला हुआ है, उसके लिए आपको ये डेटा दिखाता हूँ। तो आफ्टर सॉरी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को फर्स्ट इनिंग में 18 विकेट और सेकेंड इनिंग में 5 विकेट है। लेफ्ट आर्म स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 14 विकेट और सेकेंड इनिंग में 6 विकेट है। वहीं राइट आर्म फास्ट बॉलर को फर्स्ट इनिंग में 20 विकेट और सेकेंड इनिंग में 33 विकेट है। राइट आर्म स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 18 विकेट और सेकेंड इनिंग में 17 विकेट है। तो अगर बात करें कि किस टाइप के बॉलर को लेकर चलना चाहिए, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि राइट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म स्पिनर, और जो है राइट लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप अपनी टीम में रख के चल सकते हैं, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की। तो इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक 4 मैचेस हुए हैं, जिसमें से एक बार लखनऊ सुपर जाइंट जीती हुई है, और 3 बार जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीती है। वहीं अगर हम बात करें दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच जो है जीत के आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर पॉसिबल प्लेइंग 11 की हम बात करें तो क्विंटन डिकॉक,
लोकेश राहुल, देवदत्त पाटिकल, मार्कस टॉनिस, आयुष बदोनी, निकलस पूरन, दीपक हुड्डा, कुणाल पांड्या, मैट हेनरी, रवि बिश्नोई और जो है यश ठाकुर, इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होने वाली है। सबसे और सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव और कोई प्लेयर इनका बन के आता है तो भाई निकलस पूरन है, और जो है लास्ट के मैच में जो बन के आए थे वो थे मार्कस टॉनिस, सिंगल हैंडली मैच जिता दिया बंदे ने, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है। अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग ओवर्स की, तो मैट हेनरी पहला, तीसरा और छठा ओवर फेंकते हैं, मोहसिन खान दूसरा और चौथा ओवर फेंकते हैं, यश ठाकुर पांचवा ओवर फेंके हुए हैं। अगर डेथ ओवर की बात करें तो यश ठाकुर 16वां 18वां ओवर, मोहसिन खान 17वां 19वां ओवर और मार्कस टॉनिस जो है 20वां ओवर फेंकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाता है यहाँ से तो वो है यश ठाकुर। अगर स्टार्टिंग में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मैट हेनरी, यहाँ से एक से दो विकेट इनके मिलने के चांसेस बन जाते हैं जब भी आप जो है इनको अपनी टीम में लेते हैं तब। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बैट्समैनों की, तो क्विंटन डिकॉक का जो एवरेज है यहाँ पे 30 का एवरेज है, लास्ट के मैच में 0 रन बनाया था मैंने बोला था, इस मैच में भी आपको 30 से 50 रन की इनिंग खेलते हुए नजर आएंगे, 59% सेलेक्शन रेशियो है इनका। केएल राहुल की बात करें तो लास्ट के मैच में भाई 16 रन बनाए थे, 82 रन उसके पहले ग्राउंड पे बना था, वेन्यू पे 44 का एवरेज है, हेड टू हेड में 49 का एवरेज है। तो इन दोनों में से आपको अगर या तो आप दोनों को ले चल रहे हैं तो मैट हेनरी और इन सबको ड्रॉप करके चलिएगा जो स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हो, ठीक है, मैट हेनरी को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक को आप ले रहे हैं तो मैट हेनरी को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। देवदत्त पाटिकल के लगातार फ्लॉप होने से बहुत चिंताजनक स्थिति बन गई है लखनऊ सुपर जायंट्स में। वेन्यू की बात करें तो 6 का एवरेज है और हेड टू हेड की बात करें तो 55 का एवरेज है यहाँ पे। जीएल की टीम में आप इनको ड्रॉप करके चलिएगा। मार्कस टॉनिस को भी मैं कल के मैच के लिए ड्रॉप करके चलने वाला हूँ। आयुष बदोनी की बात करें तो इनको आज के मैच में मैं रखूंगा। निकलस पूरन को भी आज के मैच में मैं रखने वाला हूँ। वेन्यू पे जो है 26 का एवरेज है, वेन्यू पे कभी अच्छा खेले नहीं है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन एक इनिंग इनकी बहुत अच्छी आई थी, ये 64 रन की जो पारी है ये इसी वेन्यू पे पारी है और बहुत तगड़ा खेला था इन्होंने ये मैच, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दीपक हुड्डा की, तो दीपक हुड्डा लास्ट के मैच में 17 रन बनाया था जीएल की टीम में, मैं इनको ट्राई करने वाला हूँ, सिलेक्शन परसेंटेज 12% है, ठीक है। कुणाल पांड्या भैया ऑलराउंडर सेक्शन से हमको एक से दो प्लेयर रखना है तो यहाँ पे जो है आप कुणाल पांड्या को रखिएगा। ये जो दो विकेट दिख रहा है यहीं पे मिला हुआ था, 9 इनिंग में 11 विकेट है, ठीक है, तो इसलिए जो है आप एक सेफ पिक होंगे कुणाल पांड्या अगर आप अपनी टीम में रख रहे हैं। मैट हेनरी की बात करें तो मैट हेनरी को मैंने बताया कि कब रखना है आपको, ठीक है, तो अगर वो सर्कमस्टांसेस आपका बन रहा है तो मैट हेनरी को रखिएगा, अदरवाइज इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। रवि बिश्नोई की बात करें तो रवि बिश्नोई लगातार लास्ट के मैच में 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, जीएल की टीम में मैं इनको लेके चलने वाला हूं आज के मैच में। मोहसिन खान की बात करें तो मोहसिन खान और यश ठाकुर में से किसी एक को आपको अपनी टीम में रखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के बॉलर हैं, ठीक है, और बॉलिंग सेक्शन से अगर आप 4 बॉलर ले रहे हो ना कल के मैच के, आज के मैच के लिए, तो चारों में से 2 बॉलर तो यही होने चाहिए आपके क्योंकि ये दोनों के दोनों विकेट टेकर बॉलर हैं और ये दोनों के दोनों डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, चाहे आप जो है ये टीम चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे या जो है सेकेंड इनिंग में बैटिंग करे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल के प्लेइंग 11 की, तो राजस्थान रॉयल की प्लेइंग 11 में जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, रामपाल पॉवेल, ठीक है, उसके बाद जो है रविचंद्र अश्विन, संदीप शर्मा, ट्रेड बोल्ट और आवेश खान, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है राजस्थान रॉयल की। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग और डेथ ओवर में कौन फेंकेगा यहाँ पे, तो स्टार्टिंग ओवर में फेंकते हैं आपके ट्रेड बोल्ट, संदीप शर्मा और आवेश खान। ट्रेड बोल्ट फेंकते हैं पहला, तीसरा और पांचवा ओवर, संदीप शर्मा फेंकते हैं दूसरा और चौथा ओवर, आवेश खान फेंकते हैं छठा ओवर। अगर डेथ ओवर की बात करें तो यूजी चहल फेंकते हैं 16वां और 18वां ओवर, ट्रेड बोल्ट फेंकते हैं 17वां ओवर, आवेश खान फेंकते हैं 19वां ओवर और संदीप शर्मा फेंकते हैं यहाँ पे 20वां ओवर फेंका हुआ देखा गया है इनको, ठीक है। तो कल के मैच के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाता है भाई तो यूजी चहल बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनको विकेट मिलने के चांसेस थोड़े बहुत ज़्यादा दिखते हैं कंपेरेटिवली इन सारे बॉलर्स की, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट के मैच में यहाँ पे देखा था कि यूजी चहल को शायद विकेट नहीं मिला हुआ है ज़्यादा, ठीक है, इसलिए आप यूजी चहल को अपनी टीम में रख सकते हैं, ठीक है। जॉस बटलर की बात करें तो लास्ट के मैच में 35 रन, उसके बाद 107 रन, ठीक है, जॉस यहाँ पे जो है वेन्यू पे अभी तक खेले नहीं है इस आईपीएल में, ठीक है, जीएल की टीम में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। जायसवाल लास्ट के मैच में भाई 104 रन बनाया था और भाई फॉर्म में आ चुका है, 94% सिलेक्शन रेशियो है, तो अगर मैं मैट हेनरी को ले रहा हूँ अपनी टीम में तो इन दोनों को मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूँ, और इन दोनों को अगर
ड्रॉप कर लूँगा तो संजू सैमसन और जो है रियान पराग दोनों को आपको अपनी टीम में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में एक अच्छी खासी पार्टनरशिप होगी। ध्रुव जुरेल, संजू सैमसन और रियान पराग के बीच में इन तीनों में से दो खिलाड़ी अगर ऊपर के दोनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो ओपनर बल्लेबाज हैं अगर वो फ्लॉप होते हैं तो दो खिलाड़ी तो यहाँ से चलेंगे ही चलेंगे। लास्ट में फिनिश करेंगे आपके शिवरन हेटमायर या फिर पावेल में से कोई एक, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से कोई एक लेके चलना है। वहीं अगर हम बात करें रविचंद्र अश्विन की, तो अश्विन को जो है बेसिकली मैं आज के मैच में नहीं लेके चलने वाला हूँ। बाकी मेरे अभी तक के फाइनल टीम में अगर होंगे या नहीं होंगे ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ट्रेड बोल्ट की बात करें तो इन देखिए लास्ट मैच में दो विकेट, एक विकेट, एक विकेट, जीरो विकेट, 66% सिलेक्शन रेशियो है जीएल की टीम में भाई इन है। आवेश खान, ये भी अगर आप इन दोनों में से किसी एक को लेके चलिएगा, क्योंकि दोनों ही स्टार्टिंग और डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, तो दोनों को ही अगर आप लेके चलेंगे एक साथ तो थोड़ा रिस्की होगा, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों को एक, दोनों में से एक ही चलने वाला है, ठीक है। और वो कौन होगा वो आपको फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। संदीप शर्मा को मैं इस मैच के लिए नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट के मैच में 5 विकेट मिला हुआ है। इस मैच में मुझे लगता है कि 1 विकेट मिल सकता है इनको, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चलने वाला हूँ, ठीक है। यूजी चहल को आज के मैच में मैं अपनी टीम में रखूंगा, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि यूजी चहल फिर से 1 से 2 विकेट लेके चलेंगे और ये मेरी टीम के लिए सेफ पिक होंगे, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूजी चहल को रखूंगा। तो ये रही एनालिसिस दोनों ही टीमों की मेरे अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेयर बैटल की। तो डी कॉक को यूजी चहल ने 8 मैच में 6 बार आउट किया हुआ है, ये देखिए कॉम्बिनेशन। ट्रेड बोल्ट ने 7 मैच में 3 बार और अश्विन ने 10 मैच में 4 बार आउट किया, यानी इनका चलना तो भैया नामुमकिन सा लग रहा है, ठीक है। केएल राहुल को ट्रेड बोल्ट ने 9 मैच में 2 बार, दीपक हुड्डा को यूजी चहल ने 9 मैच में 3 बार और अश्विन ने 5 मैच में 2 बार आउट किया है। वहीं अगर निकलस पूरन की बात करें तो आवेश खान ने 2 मैच में 2 बार, ट्रेड बोल्ट ने 1 मैच में 1 बार और रविचंद्र अश्विन ने जो है 3 मैच में इनको 2 बार T20 में आउट किया हुआ है। स्टॉइनिस की बात करूँ मैं तो स्टॉइनिस को ट्रेड बोल्ट ने 7 मैच में 2 बार आउट किया। पर्टिकल की बात करें तो 3 मैच में 2 बार जो है ट्रेड बोल्ट ने ही आउट कर दिया। तो ट्रेड बोल्ट को आप अपनी टीम में ज़रूर लेके चलिएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है कि ट्रेड बोल्ट जो है डीकॉक को भी आउट कर दे रहे हैं, पर्टिकल को भी आउट कर दे रहे हैं, निकलस पूरन को भी आउट कर दे रहे हैं, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। और ऐसे कॉम्बिनेशन जो है आप थोड़ा अवॉइड करके चलिएगा, क्योंकि डीकॉक को भी रख लिया है और जो है आपके इधर किसको रख लिया है, ट्रेड बोल्ट को भी रख लिया है, तो उन दोनों में से कोई एक तो फ्लॉप हो ही जाएगा, चाहे आप बात मेरी माने या चाहे ना माने। अब हम बात कर लेते हैं आपके जॉस बटलर की। तो जो है मार्कस स्टॉइनिस 8 मैच में 2 बार आउट किया हुआ है, ठीक है। जायसवाल को जो है 3 मैच में 2 बार आउट किया है। संजू सैमसन को मार्कस स्टॉइनिस ने 5 मैच में 2 बार और हेटमायर को जो है बिश्नोई ने 4 मैच में 2 बार आउट किया। तो ये है प्लेयर बैटल मेरी तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ पे जो 24 ये प्लेयर्स हैं इसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन का दावेदार कौन है। तो संजू सैमसन मुझे लगता है कि कैप्टन या वाइस कैप्टन के दावेदार हो सकते हैं, ठीक है। रियान पराग भी हो सकते हैं कल के मैच के लिए, और यहाँ से आपको जो है तो ट्रेड बोल्ट भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार हो सकते हैं। बाकी यश ठाकुर भी हो सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार, ठीक है। और यहाँ से आप जो है बदोनी या फिर जो है आप दीपक हुड्डा में से किसी एक को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दीजिएगा। ये थोड़ा रिस्की होगा, बट जीएल में रिस्क चलता है और रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है, तभी आप जो है यहाँ पे कुछ अर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं आपको। बाकी अगर हम बात करें फिक्स प्लेयर्स की, तो फिक्स प्लेयर में आप देखिए शिवरन हेटमायर, दीपक हुड्डा, बदोनी, कुरनाल पांड्या, रवि बिश्नोई और आवेश खान है। वहीं अगर हम फिक्स प्लेयर की बात करें तो लोकेश राहुल, संजू सैमसन, जायसवाल, स्टॉइनिस, यूजी चहल और संदीप शर्मा, ये जो है आपके फिक्स प्लेयर में आ जाते हैं। तो इन फिक्स प्लेयर में से आपको ये जितने भी आपको 6 फिक्स प्लेयर मैंने बताए, यहाँ से आप 4 फिक्स प्लेयर ज़रूर जो है पिक करिएगा, ठीक है। और उसके बाद ट्रंप प्लेस को लेकर रोटेट करते रहेगा और अपनी टीम बनाते रहेगा। बाकी फाइनल टीम मैं आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन परसेंटेज के थ्रू आपको कैसे टीम बनानी है। तो 24 खिलाड़ी हैं, 11 और 11 खिलाड़ी दोनों साइड के और 2 खिलाड़ी इम्पैक्ट प्लेयर, यानी 24 खिलाड़ी में से आपको चूज करना है 11 खिलाड़ी। और कैसे चूज करेंगे, यहाँ पे आप जो है आप अपने खिलाड़ियों को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में 70% से ऊपर वाले प्लेयर
प्लेयर्स को रखेंगे, सेकेंड वाले में 70% से नीचे और 30% से ऊपर वाले प्लेयर, और थर्ड वाले पार्ट में आपको रखना पड़ेगा 30% से नीचे वाला प्लेयर, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है 1, 2, 3 करके लिस्ट आ जाएगी, यहाँ भी आपको 1, 2, 3 करके लिस्ट आ जाएगी, यहाँ भी कुछ प्लेयर आ जाएंगे इस वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से लेना आपको 4 प्लेयर, यहाँ से लेना आपको 4 प्लेयर, और यहाँ से लेना आपको 3 प्लेयर, या फिर अगर यहाँ से अगर आप 4 प्लेयर ले रहे हैं तो यहाँ से लेना है 3 प्लेयर और यहाँ से ले लेना है आपको 4 प्लेयर। ये स्ट्रक्चर के साथ जो है आप अपनी टीम बनाइएगा कल के मैच के लिए, यही स्ट्रक्चर फॉलो करिएगा, ठीक है। और वो कौन से प्लेयर होंगे इसके लिए मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, बाकी फाइनल जो टीम होगी वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो भाई इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री में सब कुछ मिलता है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, जय हिंद।